डायरेक्ट आपको 80% डिस्काउंट कर दिया हर एक नेक्सा एसेसरीज पे, हर जेन्युइन नेक्सा एसेसरी पे। के बाद साइड मिरर है जो टॉप मॉडल वाले आपको एज इट इज लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील के साथ पूरा इंटीरियर रखा है। अपना जो लाइट कलर का टैन आता है, जो एंडेवर में कलर आता है, सेम वो कलर है, बहुत प्रीमियम फील के साथ है। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या है भाइयों आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। कृष्णा भाई के पास आए ऑटोनिक पे, तो भाई यहाँ पे फ्रॉन्ग सा रखी है भाई, बेस मॉडल सिग्मा मॉडल, स्पेशली गाड़ी मेरिट से गाड़ी आई है, तो बेस टू टॉप वाला काम हो रहा है, कम बजट में बढ़िया काम हो रहा है भाई इस गाड़ी में। तो मेक श्योर कि एंड तक देखना, 60,000 रुपये में इस गाड़ी का भाई काम किया जा रहा है। तो एक बजट मॉडिफिकेशन फ्रॉन्ग्स की आज की वीडियो रहने वाली है, तो जो भाई बजट मॉडिफिकेशन कराना चाह रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ। और आज आप देखेंगे जो गाड़ी हमारे पास है वो UP 15 यानी कि यूपी से गाड़ी आई है और काफ़ी दूर से काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन हुई इस गाड़ी के अंदर। आप कह सकते हो ऐसा कंपनी फिटेड जितनी भी चीज़ें होती है, जो ट्रस्टेड ब्रांड जितनी चीज़ें होती है, वो सब कुछ इस गाड़ी के अंदर लगा है, चाहे मारुति की जेन्युइन एसेसरी हो, चाहे अगर मैं म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो आपका ब्लू पंक का सिस्टम हो, या फिर स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो मोरेल स्टे आपका मोरेल का MK3 जो स्पीकर कॉम्पोनेंट को एक्सल आता है वो स्पीकर हो, तो बहुत अच्छा साउंड आउटपुट के साथ एक शानदार इंटीरियर इसके अंदर हुआ, हर एक चीज़ बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी के अंदर हुआ। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और इस गाड़ी को बताने से पहले एक बार मैं दूसरी गाड़ी आपको सारा कुछ बता देता हूँ, जिससे ये पता लग जाएगा अपने पास कि फ्रॉन्ग्स की नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन अपने पास हो सकती है। और आज तक हमने इतनी गाड़ियाँ मॉडिफाई की है जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं है। तो एक बार आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर मॉडिफिकेशन देखने को मिल सके। तो फाइनली अब अगेन इस गाड़ी पर आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें लग चुका है। पहले तो आपको इसके अंदर जो एक एज अ डमी DRL आपको मिलती है उसके अंदर येलो लाइट आती है, पर हमने एज अ इसमें भी वाइट LED में चेंज, जिससे आपको इसका थ्रो रिस्पांस काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अल्टीमेट जो है वो देखने को मिल जाता है, जैसा आप इसमें देख पाओगे, और बहुत बढ़िया ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो इसमें हेडलाइट है, जिसमें आपको कंपनी फिटेड ही प्रोजेक्टर आपको कंपनी ऑफर करती है, और जैसे मैंने आपको उस गाड़ी में बताया वैसे इसके अंदर भी हमने 220 LED डाली है। और एक बार आप इसको आउटपुट और थ्रो रिस्पांस देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर इतनी अच्छी खासी लाइटिंग होने के बाद भी ना आप देख पाओगे यहाँ पर बहुत शानदार जो थ्रो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर बात करूँ, आप फ्रंट ग्रिल यहाँ पे चेंज करा सकते हो पैनो ब्लैक के साथ, जो एज इट इज टॉप मॉडल में आता है। आगे की तरफ आप कैमरा लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको सिस्टम बताया है ब्लू पंक 900 लॉडेड आपका सिस्टम लगाया है, जो 360 डिग्री सपोर्टेड है। अगर आप चाहो तो ब्लू पंक के कैमरा 360 कैमरे के साथ एज आप उसको 360 व्यू दे सकते हो, जो बहुत प्रीमियम बहुत शानदार फिटमेंट के साथ आपको मिल जाता है। अगेन मैं अगर साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पे अलॉय व्हील का ऑप्शन है, वो आप लगवा सकते हो। और 16 इंच टायर आपको कंपनी देती है, तो जेन्युइन मारुति के भी 16 इंच के अलॉय होते हैं, जिसका प्राइस लगभग 25 से 28 हज़ार रुपये के बीच में रहता है। आप जब भी आते हो जो ऊपर नीचे प्राइस होता है वो आपको उस टाइम पे मिल जाता है, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाता है। इसके बाद साइड मिरर है जो टॉप मॉडल वाले आपको एज इट इज़ लगे हैं, इसमें आपको बॉडी कलर का ऑप्शन होता है। अभी आप देखो कि पैनो ब्लैक में लगाया हुआ है जो कंपनी का जेन्युइन आता है, इसमें आप बॉडी कलर भी करा सकते हो। जैसे ग्रे कलर की गाड़ी है तो एक दो दिन पहले आप पहले से अपना जो बुकिंग है वो करा के आओ, जिससे कि हम आपके लिए प्रॉपरली पहले से कंपनी फिटेड जो आपके RC पे कलर होता है वो हम पहले से करा के रखते हैं, जिससे क्या है कि आपको प्रॉपरली हो जाता है। और अगेन आप यहाँ देखोगे प्रॉपरली यहाँ इंडिकेटर वाले मिरर आ चुके हैं, इसको जैसे ही मैं लॉक करूँगा एक सिंगल क्लिक पे लॉक हो जाएगा और सिंगल क्लिक पे अनलॉक हो जाएगा, यानी एक अल्फा मॉडल एक टॉप मॉडल वाला जो फीचर है ना वो फीचर इसमें ऐड हो गया है। और इसकी अगेन आप की देख सकते हो प्रॉपरली अभी वैसी की है जैसे ही टॉप आपका आता है, इसमें कोई भी चेंज अभी हमने नहीं की है। बाकी आप चाहो इसमें भी फ्लिप की का ऑप्शन होता है, आप करा सकते हो। इसके साथ अपना रेन वाइजर है जो यहाँ पे डोर वाइजर के नाम से भी आता है। स्पेशली मैं इन सारी एसेसरीज़ की अगर बात करूँ सब में आपको 80% डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, और जब गाड़ी आई थी तो हमने 25% डिस्काउंट देना शुरू किया था जितनी नेक्सा एसेसरीज़ होती है। उसके बाद हमने आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, इतना ज़्यादा लोगों का प्यार आता है हमारे पास, इसकी वजह से 40% डिस्काउंट दिया, फिर 50% डिस्काउंट दिया, और अभी 1 जनवरी से लेकर लगभग अभी 5 महीने तक हमने 60% डिस्काउंट दिया है। और अब जो है डायरेक्ट आपको 80% डिस्काउंट कर दिया हर एक नेक्सा एसेसरीज पे, हर जेन्युइन नेक्सा एसेसरी पे। जैसे अगर मैं डोर वाइजर की बात करूँ तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे आने के बाद कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे रेन वाइजर है जो नेक्सा जेन्युइन आपको मिल जाते हैं, अभी तक जो 60% था जब आपको 896 रुपये का मिलता था, पर जब आप 80%
परसेंट लोगे तो 2190 माइनस में 80% आपको 436 रुपये का पड़ता है। नीचे देखोगे साइड बिडिंग है एज अ क्रोम के साथ, जो आपको वाइट गाड़ी से लेके हर एक गाड़ी में बहुत बढ़िया लगती है। 2490 MRP 80% डिस्काउंट के बाद 496 रुपये की पड़ती है आपको डायरेक्टली। इसके बाद हैंडल क्रोम है, 1490 रुपये MRP आती है सिंपली 80% डिस्काउंट करने के बाद, 296 रुपये की पड़ती है। और इससे भी कहीं ना कहीं लगभग आसपास रेट में आपको जो लोकल आफ्टर मार्केट चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको मिलती है। तो जेन्युइन मारुति की ही क्यों ना, नेक्सा की क्यों ना लगवाएं। आप जितने भी लोग बेस से लेकर टॉप मॉडल का सारा काम कराते हैं सबको आपको 80% डिस्काउंट मिलता है। बाकी जो लोग डेल्टा मॉडल या डेल्टा प्लस भी लाते हैं आपको लिए भी अभी 60% है, तो ईजिली आप आगे लग करवा सकते हो। इसके साथ इसमें आप विंडो गार्निश देख सकते हो, एज इट इज़ लगा है पूरा, और वो भी एज इट इज़ SS में है, स्टेनलेस स्टील क्वालिटी में। तो ये एक बहुत शानदार बहुत अमेजिंग पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर डैम्पिंग हो चुकी है, और डैम्पिंग में आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप मारुति की गाड़ी में ज़रूर कराइए, जिससे आपकी गाड़ी का एक हैवीनेस, एक लाइफ भी आपकी बढ़े, प्लस एज आ आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, AC जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और अगर टाटा या महिंद्रा की गाड़ी से आप कंपेयर करोगे तो इसमें डैम्पिंग आपकी बहुत प्रीमियम आपका फील देती है कहीं ना कहीं। इसके बाद एक बार पीछे चलते हैं कैसा सारा काम है, फिर चलेंगे अंदर की तरफ सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 900 लॉडेड कैमरा जो आता है उसका कैमरे की फिटमेंट हमने यहाँ पे की है। ये कैमरा एज इट इज़ आपको यहाँ पे बम्पर भी लगने का होता है, पर भैया ने कहा था जैसे कंपनी फिटेड होता है टॉप मॉडल में वैसे ही लगाना है। इसलिए मैं प्रॉपरली यहाँ पे फिटमेंट देखोगे आप, यहाँ हो गई है 900 जो लॉडेड आता है वो कैमरा है, जिसके साथ जो कैमरा आता है वो पूरा कैमरा यहाँ लगा हुआ है आप देख पाओगे। इसका अंदर की तरफ अगर चलें तो CNG पार्सल ट्रे है, जो छोटा सा एक मिनी बैड भी बन जाता है। बाकी भैया का जितना भी सामान था यहाँ पे वापस हमने यहाँ रख दिया है। जो एक्सचेंज हुआ है, जो जैसे आर्मरेस्ट आप देखोगे, स्टीयरिंग आप देखोगे, स्टीयरिंग अंदर का हब आप देख पाओगे, यहाँ पे सिस्टम का पार्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ये एज इट इज़ यहाँ चेंज हो चुकी है। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या काम है एक एक चीज़ डिटेल में। इसके साथ अब अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देखोगे कंप्लीट बहुत अमेजिंग पूरा आप इंटीरियर देख पाओगे। एक बहुत अच्छी खासी कुशनिंग आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आप देखो जो प्लफी बिल्कुल एक हैवीनेस कुशनिंग होता है वो कुशनिंग मिलता है इसमें। जैसे आप हाथ रखोगे बिल्कुल एक हैवी कुशनिंग मिलती है। और जो अपना 3 थ्रेड वाला डिज़ाइन चलता है मैक्सिमम, वो डिज़ाइन के साथ आज फिर है। यहाँ पे 3 थ्रेड सबसे पहले यहाँ पे ऊपर है, फिर 3 थ्रेड का यूज़ यहाँ पे है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे। और वैसे ही आप नीचे देख सकते हो बिल्कुल ऐसा कर्व के साथ पूरा इंटीरियर किया हुआ है, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं है, बिल्कुल 0-0 फिटमेंट है। ये सबसे शानदार चीज़ की हुई है। बाकी डोर जो है बिल्कुल ब्लैक के मैट ब्लैक के अंदर भी रखा है, इसका एक बहुत अच्छा फील आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ साइड मिरर की फिटमेंट देख सकते हो 0-0 बिल्कुल प्रीमियम फिटनेस के साथ है, फिटमेंट के साथ है। यहाँ पे एडजस्टेबल आप देख सकते हो, प्रॉपरली एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैं नीचे की तरफ करूँगा एज इट इज़ नीचे हो रहा है, जैसे मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ प्रॉपर अंदर हो रहा है। इसके बाद इसके अंदर मोरेल MK3 सीरीज़ जो है वो इसके अंदर लगा है, जिसका कंपोनेंट यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्विटर आप देखोगे यहाँ पे ट्विटर शैशे के साथ है। नीचे की तरफ कंपोनेंट है जिसका आउटपुट अपने आप में अमेजिंग है। चलते हैं अंदर। अंदर में सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे स्टीयरिंग हुआ है जो एज इट इज़ चेंज हो चुका है। सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो लेदर रैप है वो पूरा आपको देखने को मिल जाता है एज इट इज़ डबल टोन के अंदर। ऊपर ब्लैक कलर है, नीचे से टैन कलर है। जो डोर पे जो सीट कवर पे लगा है सेम एज इट इज़ वो। इसकी मैं जैसे लाइटिंग ऑन करूँगा यहाँ की जो सारी लाइटिंग है वो सब ऑन हो जाती है। अंदर चलते और अंदर देखते हैं सारा काम किस तरीके से था। तो फाइनली अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील के साथ पूरा इंटीरियर रखा है। अपना जो लाइट कलर का टैन आता है, जो एंडेवर में कलर आता है, सेम वो कलर है, बहुत प्रीमियम फील के साथ है। इसमें जो सिमेट्री होती है ना, वो सिमेट्री आप देख पाओगे अमेजिंग फील के साथ है। इसमें आप जितना मर्जी ऐसे दबा लो, जो एक कुशनिंग है, जो इसका एक एज अ सॉफ्ट टच है, वो सॉफ्ट टच की एक बहुत ही अमेजिंग फील है। 3 थ्रेड का यूज़ पहले आपका यहाँ पे हो रखा है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे है। अपना पाइपिंग है जो बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आप देख पाओगे। अगेन पीछे की तरफ आप देखोगे इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है पॉकेट का। इसके बाद डबल टोन में सीट कवर है, पीछे से पूरा ब्लैक है, आगे से पूरा टैन का यूज़ है, और बहुत ही अच्छे फिटमेंट के साथ है। एक सिंगल रिंकल जो कहते हैं ना सीट कवर में, वो आपको नहीं देखने को मिलने वाला ऊपर से लेकर नीचे तक। ये सबसे अच्छी चीज़ सीट कवर में देखोगे आप। और बैठने के बाद ना एक अलग ही फील आपको देखने को मिलेगा। 40 mm कुशनिंग है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अपने पास सीट कवर 2500-2500 रुपये से स्टार्ट होता है, और खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इस वजह से आपको ऐसे एक बेस्ट कॉस्ट में सीट कवर मिलता है। उसके ऊपर जैसा सीट कवर आपको कंपनी 8500 रुपये का सिर्फ ऐसे ऊपर से चढ़ा देती है ना, वही कपड़े में सीट कवर, वही फैब्रिक में सीट कवर 4000 रुपये में बकेट फिटिंग में मिलता है। उसके बाद जो मार्केट में आपको 6000-7000 रुपये में नापा लेदर, साखा लेदर मिलता है, वही अपने पास 4500-5500 रुपये मिलता है। उसके बाद जो अपने पास रॉयल टच होता है, जो इंपॉर्टेंट लेदर होता है, जैसा आप इटालियन लेदर वगैरह सुनते हो, लेदर सुनते हो, वैसे ही अपने पास 7500 रुपये में रॉयल टच मिलता है। इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी होती है वो भी।
उसके ऊपर 9500 है सोफा लेमिनेशन, उसके ऊपर 12500 प्रीमियम सोफा लेमिनेशन जो ये सीट कवर है, जिसकी कुशनिंग, जिसका प्रीमियमनेस बहुत ही हैवी होता है। इसके अंदर 40mm कुशनिंग होती है जिसमें 19mm एज अ फैब्रिक के साथ पेस्ट होता है, और उसके नीचे 21mm की कुशनिंग अलग होता है, फोम अलग होता है, मेमोरी फोम, जिसको जितना आप दबाओगे ना उतना ही ज़्यादा वो और कुशन देता है आपको, तो एक बेस्ट पार्ट आपको वहाँ भी प्रोवाइड होता है सीट कवर के अंदर। इसके साथ साथ आप हर कॉर्नर पर देख पाओगे बिल्कुल 0-0 फिटमेंट है, कहीं भी अनइवन नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट है जिसमें पीछे एसी जो है वो ऑन हो गया है, अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, जेन्युइन मारुति का आर्मरेस्ट रहता है, और एसी ऑन के बाद ना बिल्कुल एक कंफर्ट, बिल्कुल प्रॉपर कंफर्टेबल आपको फील कराता है, तो ये एक बेस्ट चीज़ आपको आर्मरेस्ट मिलता है। गियर नॉब है जेन्युइन कंपनी का, यहाँ पे आप देख पाओगे। फ्रंट यूएसबी है जो एज इट इज़ आप देखोगे यहाँ पे एज लग गया है प्रॉपरली। इसके साथ साथ म्यूज़िक सिस्टम है जो आप देख पाओगे यहाँ पे, 900 लॉडेड सिस्टम है जिसका एक मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम है, और सेटिस्फाई इसमें अंदर ऑटो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलता है। इसमें मैं आपको बैक कैमरे की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, जो ऐसा ब्लू पंक का ही कैमरा इसके साथ आता है और काफ़ी अच्छी फिटमेंट होती है। बाकी मैं आपको देखो सिंपल सी चीज़ कह देता हूँ, ये सिस्टम आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले सकते हो, पर ऐसी फिनिशिंग, ऐसा काम की क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। आप फ्रेम तक की फिनिशिंग देख लो, प्रॉपरली 0-0 फिनिशिंग है हर जगह से। बाकी इसमें देखो आप पूरा म्यूज़िक का जो है अपना कंट्रोल पूरा वर्किंग है, माइनस करूँगा पूरे माइनस हो रहे हैं यहाँ पे, प्लस करूँगा तो प्लस हो रहा है, म्यूट अगर करूँगा तो यहाँ पे बिना हाथ लगाए जो है वो म्यूट हो रहा है, तो एज इट इज़ पूरा वर्किंग है, तो ये पूरा कम्प्लीटली वर्किंग रहता है। इसके साथ साथ आप कॉलिंग से ये सेक्शन भी ऑन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे, तो सारा कुछ इसके अंदर वर्किंग रहता है। बाकी सिस्टम जो है थोड़ा सा आपको चलाने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, बाकी ब्लू पंग ऑलरेडी काफ़ी सेटिस्फाई सिस्टम है, बाकी अब तो बहुत सारी चीज़ें इसमें और आ गई है, तो आप सिंपल ये सिस्टम भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया सिस्टम है। बाकी ऑप्शन अपने पास सारे ही सिस्टम रहते हैं, मेगासोनिक से लेके हाइपरसोनिक तक, आप निकॉन से लेके ब्लू पंग तक, नाकामिची जो कंपनी लगा के देती है 15,500 रुपये का, वो सिस्टम आप 10,000 रुपये की रेंज में ले सकते हो अपने पास, तो सारे सिस्टम है एक किफ़ायती रेट पर। एक किफ़ायती सिस्टम अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हो, एक बार ज़रूर देख सकते हो, बाकी चॉइस आपकी होगी, जैसा चाहो आप वैसा ले सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया पूरा स्टीयरिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है, ऊपर की तरफ यहाँ पे माइक लगा है, बाकी अगर आप यहाँ पे रूफ लाइट लगाते हो माइक उसी में लग जाता है, यहाँ पे वैनिटी मिरर चेंज हो जाता है, आई एरवे चेंज हो जाता है, एज इट इज़ पूरा ऑप्शन होता है जो टॉप मॉडल में आता है, वो एम्बियन लाइट का ऑप्शन होता है वो करा सकते हो आप, स्कफ लाइट वेलकम लाइट का ऑप्शन होता है वो आप करा सकते हो। वह पीछे की सीट की फिटिंग देख लेते हैं कैसी है, उसके बाद चलेंगे उधर से जानेंगे सारा काम कैसा रहा। तो फाइनली एक बार आप सीट देखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट टू फिनिश है, यहाँ पे जो सिमेट्री मैंने आपको आगे दिखाई थी वही सिमेट्री पीछे भी है, जो कुशनिंग आपको दिखाया था वही कुशनिंग मिल जाता है, और एज इट इज़ इसके पीछे वाला पार्ट भी आप देख सकते हो जो एक बिल्कुल सॉफ्ट टू सॉफ्ट फिनिश है वही आपको देखने मिलता है। एक जो पहले सीट में पहले जो था ना वैसे ही जो फिनिश थी वैसे ही आप कॉर्नर टू कॉर्नर देख सकते हो, ये है रियल सीट कवर की फिटिंग, मतलब एक अमेजिंग फिटिंग, जो जैसा सीट पहले रहती है जो टॉप मॉडल की फिटिंग होती है सेम वो फिटिंग जो कंपनी से बन के आती है सीट वैसा। इसके साथ साथ भैया का थोड़ा सामान रखा हुआ है यहाँ पे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट है, इसमें भी रियर एसी ऑन हो गया है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट जो 18 वोल्ट वाला था वो लग चुका है, मैट भैया को कंपनी से ही आए थे वही लगे हुए, अब जानते हैं ओनर से सारा काम किस तरीके से था, सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, अब भैया से जानते हैं कैसा काम था और कहाँ से भी आए थे। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम है शोभित वर्मा, कहाँ से? मैं काशीपुर उत्तराखंड से आया हूँ। क्या बात है जी, कैसे पता, कैसे लगा आपको हमारे बारे में? बस मैं 4-5 महीने से, जब से मैंने गाड़ी नहीं ली थी तब से मैं आपके ही वीडियो देख रहा था। उससे पहले से वीडियोस आप देख रहे थे? और भी कुछ लोगों के देखे आपने? हाँ, और लोगों के लिए भी देखे हैं, बट जब मुझे लगा कि यहाँ पे जेन्युइन काम होगा तो फिर मैं यहीं पर आया सीधे डायरेक्ट। अच्छा, अब काम हुआ जेन्युइन या नहीं हुआ? हाँ, जेन्युइन काम तो हुआ है। सिस्टम वगैरह आपने देखा, स्पीकर आपने देखा, जो चाहते थे जैसा चाहते थे वैसा ही है सारा कुछ? हाँ जी। सीट कवर, पूरे सीट कवर पे बैठने के बाद मैं अगर फिटमेंट देखूंगा तो कैसी है ये? तब तो सॉफ्ट ही है, सारी कुशनिंग है। हाँ जी, कुशनिंग बढ़िया है, चलने पे बिल्कुल कंफर्ट है। हाँ जी, पक्का? हाँ जी। बाकी अगर कोई आना चाहता है आपकी वीडियो देख के, आपके काम को देख के, आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंडेड है, पक्का? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी दिल से धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए एक बार जरूर चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये भाइयों कैसा लगा कमेंट करके बता देना भाई, सारा काम किया गया, प्लस 80% डिस्काउंट आपको फ्रॉन्की जेन्युइन सीरीज पे मिलने वाला है भाई, जितने भी चिपकाने वाली आइटम है। तो भाई मेक श्योर कि भाई इस तरीके से आप काम करा सकते हो। 60,000 रुपया गाड़ी में खर्चा आया भाई, एलॉय का काम नहीं हुआ इसमें, और भी और थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ, डीआरएल नहीं लगे पीछे कनेक्टेड टेल लाइट नहीं लगे, आगे के डीआरएल नहीं लगे, तो ये काम हुआ है भाई। इंटीरियर कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताना, प्लस डिस्काउंट भी बता दिया मैंने, खर्चा भी मैंने आपको बता दिया, तो कोई भाई कराना चाह रहा है तो इस तरीके से आप करा सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, शेयर कर देना वीडियो को फ्रॉन्क्स वाले भाइयों के साथ, ताकि उनको पता चल जाए इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।